अजान के दौरान ये तस्करा को खैर मिन कौम किया, अगर किसी ने अजान ही ना कही, मिसाल के तौर पर बिल्कुल अगर अजान ना भी हुई और किसी ने नमाज पढ़ ली तो फिर नमाज की अदा हो जाएगी, तो पूरी अजान के बगैर नमाज अदा हो जाएगी, तो एक आधा जुमला अगर किसी ने छोड़ दिया और फिर इसमें कोई हरज नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इंसान है और भूल इंसान से होती है, फजर की अजान में क्योंकि एक अलग से कलिमात कहने होते हैं अस्सलात तो खैर मिन कौम, तो ये आम अजानों के मुकाबले में एक अलग तरीका है, तो इस वजह से अच्छा औकात मौजिन के जहन में नहीं रहता, और जिसको आदत हो उसे तो शायद याद रह भी जाए, लेकिन जिसको आदत ना हो कि एक नया बंदा कोई अजान दे वो कोई भी हो तो वो हमसे और आपसे इसलिए गलती हो सकती है, तो इसमें हमें उसको उंगली नहीं उठानी चाहिए, हमें थोड़ा सा अपने मिजाज की तामीर करनी चाहिए, हमें जरा सोचना चाहिए। एक बंदा अजान में चंद कलिमात जानबूझकर नहीं भूला, भूल गया, और खुद सोचिए इंसान भूल कर खा पी ले भी तब भी उसका रोजा नहीं टूटता, तो अगर खुद सोचिए क्या उसकी अजान नहीं होगी, यकीनन अदा हो जाएगी, भूल कर खा पी लेने से जब रोजा नहीं जाता तो इसमें भी कोई हरज नहीं है।